तो मेरे भाई लोग YouTube पे आप लोगों को इतनी सारी हेडशॉट ट्रिक के ऊपर वीडियो मिलेंगी। कोई ये बता रहा है कि भाई ये वाली सेंसिटिविटी ऐसे रखो ऐसे हेडशॉट लगेंगे, कोई बता रहा है ऐसे ड्रैग करो ऐसे हेडशॉट लगेंगे। और मैं जानता हूँ कि फ्री फायर में 100 में से 80% बंदे ऐसे हैं जिनको बहुत ही अच्छी तरीके से ये मालूम है कि किस तरीके से ड्रैग किया जाता है और किस तरीके से बंटा हेडशॉट लगता है, और फिर भी यूट्यूब पे हजारों करोड़ों वीडियो आप लोगों को मिलेंगी। पता नहीं डेली कितनी सारी वीडियो अपलोड होती हैं इसके ऊपर, बंटे हेडशॉट ट्रिक के ऊपर। अच्छा, और भाई देखो सबसे पहले तो ये बात कि भाई हमारे जब से गेम के अंदर अपडेट आया है तब से भाई फ्री फायर वालों ने सेंसिटिविटी के अंदर बहुत ही कुछ चेंजेस कर दिया है। मतलब पहले था 100 सेंसिटिविटी, अब कर दिया है 200 सेंसिटिविटी। तो भाई इसके चक्कर में आप लोग पागल हुए पड़े हो और YouTube पे ये इतनी सेंसिटिविटी के ऊपर इतनी सारी वीडियो पड़ी हैं कि आप लोगों ने उन्हें देख देख कर अपना बिल्कुल दिमाग खाली कर दिया है उनके अंदर। और भाई कोई ये नहीं बता सकता कि आपको अपने फ़ोन के हिसाब से कौन सी सेंसिटिविटी आप लोगों को रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा कि आपके फ़ोन के हिसाब से आप लोगों को कौन सी बेस्ट सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। और बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो बताते हैं जनरल सेंसिटिविटी को इतना रख लो और रेड डेट को इतना रख लो, 4x स्कोप को इतना रख लो, आपके ओनली रेड नंबर लगेंगे। पर भाई एक्चुअल में ये बंदे बनाते हैं चूतिया सिर्फ बोझ व्यूज और पैसे के लिए। यही नहीं, अभी और सुनो। और भाई देखो मैं चाहता कि जब हमारे गेम के अंदर अपडेट आया था तब मैं भी बेस्ट सेंसिटिविटी को वीडियो बना सकता था, पर मैंने यहाँ पे नहीं बनाया वो, क्योंकि कि मैं अपने सब्सक्राइबर को चूतिया बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहता हूँ। और इतने सारे चूतिया यूट्यूबर हैं यूट्यूब पर जो कि भाई पीसी से खेल कर हमें बंटे की ट्रिक बताते हैं, साले चूतिये। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो वहाँ के भाई चूतिया उतिया पा को इस साइड में रखते हैं एंड अपना ये वाला वीडियो प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बेस्ट सेंसिटिविटी बताने जा रहा हूँ किस तरीके की आप लोगों को अपने फ़ोन के हिसाब से सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। तो भाई चलिए चलते हैं गेम के अंदर। और भाई गेम के अंदर जाने से पहले यार हमारा चैनल इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है कि मैं मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। बल्कि यार व्यूज नहीं आ रहा है तो मेरा मन नहीं करता है। और अगर आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट वगैरह दिखाते हो तो मुझे काफ़ी तक खुशी मिलेगी। और प्लीज़ यार आप लोग किसी एक दो फ्रेंड वगैरह पास ये वाली वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना। तो चलिए भाई गेम के अंदर चलते हैं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं अपने गेम के अंदर और यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले वगैरह में आप लोग जो मतलब ग्राफिक्स वगैरह रखते हो सिंपली आप लोग वही रहने दो, मतलब लैग नहीं होना चाहिए गेम आपका। और कंट्रोल्स वगैरह आप लोगों का जिस तरीके का है सिंपली आप लोगों को उसको चेंज नहीं करना है, आप लोगों को वैसा ही रखने देना है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट सेंसिटिविटी देने आया हूँ, ठीक है। और चलिए भाई आप लोगों को मैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका हूँ और आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले खड़ो पुतले के पास आ जाना है और थोड़ा मिड रेंज में आप लोगों को रहना है। और यहाँ पे आप लोगों को जो जनरल सेंसिटिविटी होती है सिंपली आप लोगों को सबसे पहले उसको 200 करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा मिड रेंज में आना है और यहाँ पे फायर करना है। और अगर आपकी ऐसे कुछ इस तरीके से गोली रिकॉइल होती है मतलब हवा में एम जाता है तो सिंपली आप लोग जाओ जनरल सेंसिटिविटी को कम करो, कम मतलब कर लेना लगभग 150 के आस 150 के आसपास। और फिर आप लोगों को यहाँ पे फायर करना है। और फायर करने के बाद आप लोगों को ये देखना है कि गोली आपकी रिकॉइल तो नहीं रही, मतलब हवा में वगैरह में तो नहीं जा रही है। मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड में देखो मुझे मेरी परफेक्ट सेंसिटिविटी मिल चुकी है। और आप बोलोगे तो भाई मतलब बोलोगे कि आपकी तो गोली रिकॉइल हो रही है, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। मुझे मतलब यहाँ पे फायर देखो कितनी तेज़ी से कर रहा हूँ और आप लोगों को भी ऐसे फायर करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो सिंपली मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया है आप लोग सिंपली वैसे एक बार ट्राई करके देखो। आप लोगों को भी जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग में आकर यहाँ पे देखना है और सेंसिटिविटी को सबसे पहले तो आप लोगों को 200 करके देखना है। अगर आपके पास थोड़ा लो एंड डिवाइस फ़ोन है लगभग 3 या 4 GB रैम का, मेरे पास तो भाई 6 GB रैम का फ़ोन है, पर यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले 200 ही रहने देना है। उसके बाद फायर करके देखना, अगर आपकी गोली हवा में रिकॉइल हो रही है तो जस्ट आप लोग थोड़ा सा कम करो अगर आपके पास लो एंड डिवाइस फ़ोन है। ऐसे ऐसे अगर आप लोग थोड़ा चेंज करते रहोगे तो आप लोगों को भी अपने लिए बेस्ट सेंसिटिविटी मिल जाएगी। मतलब यूट्यूब पर भाई वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, सब बंदे व्यूज और पैसे के लिए वीडियो में भड़बड़ाते हैं बस, और उनके अलावा और उनके पास कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। और भाई बहुत सारे बंदों का ये डाउट रहता है कि यार जो 2x स्कोप है, 4x स्कोप है और स्नाइपर स्कोप, इसको कितना रखना है। तो भाई इसको आप लोग अपने आप ट्राई करके देखो, मतलब आप लोगों को किस तरीके मतलब स्कोप लगा के फायर वगैरह करोगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सी मतलब रेड डॉट कितना हो सकता है, 4x स्कोप कितना हो सकता है। और भाई देखो हेडशॉट मारने के लिए मेन चीज़ आप लोगों की है जनरल सेंसिटिविटी। आप लोग जो हेडशॉट मारते हो उसमें आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी ही काम आती है। और तो ये तो भाई स्कोप वगैरह के लिए नीचे सेंसिटिविटी दे रखी है गरीना वालों ने,
ये तो भाई स्कोप मतलब स्कोप वगैरह की सेंसिटिविटी है, तो इससे आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब स्कोप में फ़ायदा होने वाला है, हेडशॉट मारने के लिए यहाँ पे आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत सारे बंदों का ये डाउट था तो मैंने आप लोगों को बता दिया फुल एक्सप्लेन करके बिल्कुल अच्छे तरीके से। और यार देखो बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट में ये पूछते रहते हैं कि भाई मुझे अब मेरे डिवाइस के अनुसार बेस्ट DPI बता दो। तो भाई जस्ट आप लोग 2 दिन वेट करो, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, पर वो वाली वीडियो का मुझे अभी थंबनेल मिला नहीं है, मतलब मैंने अभी बनाया नहीं है। और इस वाली वीडियो के बाद आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी, मतलब 3 GB से लेकर 6 GB रैम तक मैं आप लोगों को उस वाली वीडियो में बेस्ट DPI आप लोगों के लिए बताऊंगा आफ्टर अपडेट के बाद, क्योंकि आफ्टर अपडेट के बाद बहुत सारा गेम में कुछ चेंज हो चुका है। सेंसिटिविटी के ऊपर तो खास चीज़ है आप लोगों की हेडशॉट मारने के लिए सेंसिटिविटी, और उसके बाद आप लोगों की DPI। तो भाई जस्ट 2 दिन वेट करो, आप लोगों को न्यू वीडियो मिलेगी, आप लोग सिंपली उसको देखना, और उस वाली वीडियो में आप लोगों को फुल्ली एक्सप्लेन करके मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बस वो वाली वीडियो अपलोड करने को रह गई है। तो बाकी इस वाली वीडियो को मित्रों के लिए एंड कर लेते हैं, और एंड करने से पहले अगर आप लोगों को इस वाली वीडियो से थोड़ी भी हेल्प या सहायता मिली हो तो प्लीज़ यार भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि यार मैं अपने चैनल पर बहुत सारी मेहनत करता हूँ पर फिर भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना अभी छोड़ दिया है, तो ये काम यार मत किया करो, बहुत बुरा लगता है। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, बाय बाय।